नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हमारी खास चर्चा उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश। तो आज उत्तर प्रदेश उत्तर मांग रहा है। दरअसल एक फिल्म का डायलॉग है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था और मेरी कश्ती डूबी थी वहां जहां पानी कम था। अक्सर लोग ये डायलॉग मारते हैं तब जब अपनों से ही उन्हें कोई गहरा झटका लगता है, लेकिन यह किसी फिल्म की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त तस्वीरें चल रही हैं, संजय निषाद उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सर्वे सर्वा। इंडिया वॉइस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जो उन्होंने कह दिया उसके बाद सियासी बवंडर खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो यूं ही नहीं कहा, पिछले 4-5 महीने के दौरान या कह लें कि लोकसभा चुनावों के दौरान और उसके बाद जो परिणाम आए जो उन्होंने समझा वो कह दिया। उन्होंने कह दिया कि हम हारे या कमजोर हुए इस वजह से क्योंकि हमारे अपने ही कुछ गद्दार थे, और जब पूछा कि कौन गद्दार थे तो कहा हमने तो कार्रवाई कर दी, बीजेपी कब करेगी। अपनी सहयोगी पार्टी से उन्होंने ये सवाल किया और जिस सवाल का जवाब आज उत्तर प्रदेश मांग रहा है, और इसीलिए आज की खास चर्चा भी संजय निषाद के उन बयानों पर होगी जो बयान तीर की तरह चले और आप समझ सकते हैं कि कहां लगे होंगे। ऐसे में कई सवालों के जवाब आज हम खास चर्चा में लेंगे और चर्चा करेंगे संजय निषाद के उन बयानों पर, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं, आप समझ जाइए कि आखिरकार चल क्या रहा है। लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद देश में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन इसी मंथन के बीच यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इंडिया वॉइस से एक्सक्लूसिव बातचीत में यूपी में कमजोर हुए एनडीए और खासकर बीजेपी को लेकर बड़ी बात कही है। संजय निषाद ने खुद के मार्फत परिणाम न आने की वजह पार्टी के भीतर गद्दारों को बताया है और यहाँ तक कह दिया कि हमने तो गद्दारों पर कार्रवाई भी कर दी है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत पार्टी को माता कहते हैं, लेकिन समय आने पर हाँ। उसके साथ माता के साथ ही गद्दारी करते हैं हाँ। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जिस खेत में मोदी की खेती है उसमें राउंडअप डालेंगे तो हमारी खेती कैसे होगी। अब वो जांच का विषय है, समीक्षा हो रही है, और हम तो अपनी पार्टी में भी थे, हमने बैठक की है, कुछ लोगों को हटाया हुआ और 28-29 को मैंने फिर रखा है हाँ। और जो भी इसमें रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी हाँ। और हम जिस तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं उसे बीजेपी करेगी समय आने पर। हमें पूरा उम्मीद है बीजेपी से बढ़िया पार्टी कोई कार्रवाई करने वाली नहीं है, वो समय के आधार पर करती है और उससे बढ़िया जांच भी नहीं कोई करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और यह एक बड़ा मुद्दा है कि बड़े बड़े पदों पर रहने वाले अपना ही बूथ हार जाएं, ये उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने गांव को नहीं संभाल पाते हैं तो क्यों जिला संभालने के लिए विधानसभा संभालने की जिम्मेदारी दे देते हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने गांव को सही से करें। इसके मतलब आप अब उस क्षेत्र में आप देख लीजिए, बन गए कुछ भी जिम्मेदारी मिल गई तो जिम्मेदारी के साथ काउंटर में रहना चाहिए था। जब विपक्ष ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है तो जो जिम्मेदार लोग थे उन्हें नीचे जाना चाहिए था। संजय निषाद यही नहीं रुके, जब उनसे पूछा गया कि पिछड़ी जातियों का जो इंडिया गठबंधन को वोट ट्रांसफर होना रोकने की जिम्मेदारी एनडीए की सहयोगी पार्टियों की जिम्मेदारी थी, उस पर कैबिनेट मंत्री बोले कि हमने अपनी जातियों का वोट ट्रांसफर नहीं होने दिया, लेकिन पंडित जी और ठाकुर साहब का वोट कहां गया, जो बीजेपी का परंपरागत वोट है उसे हम नहीं समझा सकते, उसे समझाना बीजेपी का काम था जो वो नहीं कर पाई। आप देखिए ना, बहुत जगहों पर अपर कास्ट के वोट भी ट्रांसफर हुए हैं, बूथ तो उठाकर देखिए,
जब उनके वो उनकी चर्चा थी बदल दिया जाए तो वो लोग हैं। अभी हमारे यहाँ देख लीजिए, बूथ उठाकर देख लीजिए, तो बूथ देखिए खाली, आप जो जैसे हम लोग कमजोरों का नेतृत्व करते हैं, हम लोगों पास ही सब लोग हमला कर रहे हैं इनके वजह से। अपर कास्ट के भी वोट बहुत ट्रांसफर हुए हैं, तो आप उनको उनको क्यों नहीं गिरते भाई, उन्हीं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट अपर कास्ट, वो जब इधर उधर फिसल रहा है। अब बताइए कि डॉक्टर संजय अगर पंडित जी को समझाने में समय बर्बाद करेंगे तो बेस वोट को कहां जा रहा है, बताइए। हम कहते हैं पंडित जी को बल्कि सबको समझाना चाहिए, ठाकुर साहब को समझाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सभी जातियों सभी देश में है कि अपर कास्ट बीजेपी का मेरा पक्का वोट है। अब उन्हीं वोटों को संभालने में देख लीजिए, बूथ उठा कर देखिए तमाम हमारे यहाँ तो तमाम ऐसे लोग हैं कि जो है अपना ही बूथ हार गए हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि अयोध्या में बीजेपी की हार कैसे हुई, क्योंकि राम मंदिर बीजेपी का सबसे मजबूत एजेंडा था जिसे लेकर बीजेपी आश्वस्त थी, लेकिन अयोध्या में ही बीजेपी हार गई। इस पर मंत्री जी का जवाब सुनने लायक है। तो जाति इक्वेशन है, इस तरीके से मैंने कहा ना, कुछ अधिकारियों की थोड़ी कमी की वजह से कब्जा हुआ, उजाड़ा गया, उचित मुआवजा नहीं मिला, तमाम निषादों के भी उनके नाव को क्रूज चलाया गया, तो ये चीजों को छोटे छोटे मुद्दे को उन लोगों ने उसको बांध के रखा था गठरी में, और जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने परोस लिया और उसे समझाने में वोट लेने में कामयाब रहे, और हम लोग कहीं लाइट में लिया इसीलिए आगे, और इन्होंने वही अयोध्या में लल्लू जी ने बयान भी दे दिया, उस बयान को और घी का काम कर गया। अब जब सरकार में मंत्री ही ऐसा कह रहे हैं तो विपक्षी पार्टियों को वार करने का खुला मौका मिल जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने खुलकर एनडीए और सरकार पर खुलकर वार किया है। निषाद जी का जो बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके दगाबाज और बागी नेताओं की वजह से पार्टी हारी है, तो ये उनकी गलतफहमी है। बहुत अच्छे तरीके से समझ लें पूरी भारतीय जनता पार्टी कि जब इस देश की जनता चुनाव लड़ रही थी और ऐसी पार्टी के खिलाफ उसने वोट किया जिसने सिर्फ दावे और वादे जिसके खोखले निकले, तो यकीनी तौर पर जीत जनता की होनी थी। और आज जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जनता का आक्रोश था, और उसने इस जनादेश में ये बताया कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी ने बीजेपी ने जो उनके साथ दगा की है उसका जवाब उन्होंने इस तरीके से दिया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के ये बयान भले ही चुनावों के परिणामों पर है, लेकिन इनमें वो सवाल भी है जो वो सरकार और अपने सहयोगी बीजेपी से पूछ रहे हैं। इनमें एक फिक्र भी है सरकार की, सहयोगियों की, मुद्दों की और आने वाले भविष्य की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण सवाल है, और वो सवाल जो खुद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उठाए, प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं और तमाम महत्वपूर्ण बातों को उजागर करते हुए भावनाओं पर इतना बह गए कि सब कुछ बोल गए जो मन में था, और कर भी देना चाहिए जब मन भारी हो। तो आज जाहिर सी बात है इन्हीं के तमाम बातों पर, इन्हीं के तमाम सवालों पर आज की खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, हमारे साथ डॉक्टर अवरल मलिक हैं, बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है अवरल जी। हमारे साथ रतन तिवारी हैं, कांग्रेस की आवाज हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर एस के दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रत्नेश सिंह भी जुड़ गए, राष्ट्रीय महासचिव है निषाद पार्टी के। तो अवरल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहता हूँ। अवरल जी, ये आप ही की प्रदेश की जो सरकार है उसमें मंत्री हैं संजय निषाद, हालांकि कई मसलों पर इन्होंने हमसे बातचीत की इंडिया वॉइस से एक्सक्लूसिव बातचीत में, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनके द्वारा कही गई आपने सुनी भी होगी कि भितरघात जो है गद्दारों की वजह से हम हार गए और हमने कार्रवाई कर दी है। हालांकि वो ये कह रहे थे कि बीजेपी भी करेगी, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे थे कि करेगी, जानते हैं कार्रवाई करना जानती है, ये गद्दार कौन थे और कार्रवाई कब होगी जी? नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के विषय पर निश्चित रूप से संगठन आत्मंथन कर रहा है, इस विषय पर चिंतन निश्चित रूप से किया जा रहा है। और जहां तक विषय है अन्य राज्यों का, तो अन्य राज्यों में अच्छा परफॉर्म किया भारतीय जनता पार्टी ने, और राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो हमारी नहीं, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है सरकार बनी। अवरल भाई, उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश में तो आप कमजोर हुए, हारा नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी केंद्र में सरकार बन गई, लेकिन कमजोर हुए और बहुत ज्यादा कमजोर हुए। उसको लेकर संजय निषाद कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं अवरल भाई। निश्चित रूप से हमारा संगठन इस विषय में आपकी चिंतन कर रहा है, मंथन कर रहा है। हाँ, पता चल गया आपको वो कौन कौन से गद्दार थे? नहीं देखिए, इस प्रकार से कहना अनुचित है, लेकिन जहां तक बात है चिंतन की तो हम निश्चित रूप से कर रहे हैं। आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ अवरल भाई, संजय निषाद जब इस बात को कह रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि अगर बड़े बड़े लोग अपने ही बूथ हार जाएं तो ये सोचने वाली बात होगी। प्रदेश की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे लोग अगर अपने गांव में ही हार जाएं तो ये बड़ी बात है और ये चिंता का विषय है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपके कितने केंद्रीय मंत्री हार गए? आपकी प्रदेश की सरकार में जो मंत्री थे जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी अपने अपने बूथ की, अपने अपने गांव की, अपनी अपनी सीटों की, वहां पर हार गए, ये कह रहे हैं संजय निषाद? खुली बात कह रहे हैं वो, किस कोई कोई घुमा फिराकर नहीं कह रहे थे जी? नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ओर आत्ममंथन कर रहे हैं तो दूसरी ओर जश्न भी मना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार मजबूत सरकार बनी है। अच्छा अवरल भाई, एक चीज बताइए, ठीक है रतन भाई, बस आपके पास में आ रहा हूं, आपकी सारी बातें ठीक है, जश्न मना रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जश्न मनाना ज्यादा जरूरी है या फिर भविष्य को देखते हुए जो अभी कमजोरी हुई है उसको ठीक करना क्या जरूरी है पहले? नहीं, कमजोरी को बिल्कुल ठीक किया जा रहा है और कमजोरी को मजबूती में निश्चित रूप से तब्दील कर दिया जाएगा और नामुमकिन को मुमकिन करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है। चलिए, इतिहास गवाह है। ठीक है अवरल भाई, आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ रत्नेश सिंह भी जुड़े हुए हैं जो कि राष्ट्रीय महासचिव है निषाद पार्टी के। रत्नेश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रत्नेश भाई। ये संजय निषाद जी जिन बातों को कह रहे हैं, हालांकि अवरल भाई तो उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, मंथन चल रहा है, ये कितनी बातें जो है वो बेहद जरूरी थी जिन्हें उन्होंने कह दिया, ये कौन कौन से वो गद्दार रहे आपको पता है क्या जिनकी बात संजय निषाद जी कर रहे थे? देखिए, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना ये बेहतर नहीं होगा। हालांकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी बयान दिया है, निश्चित तौर पर अगर आप जो बातें उन्होंने कही हैं अगर आप उसको डेटा के साथ जोड़ देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि उनकी बातें सत्य हैं या नहीं। हाँ। इस बात अब समय आ गया है, इस बात पे मंथन बिल्कुल करना चाहिए और मैं इस बात पे पूर्णतः सहमत भी हूँ। पार्टी भी इसी लाइन पर है कि अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी पार्टी हो या कोई भी दल हो, अगर आप प्रदेश में बड़े पद पर हैं, आप पूरे तबके की राजनीति कर रहे हैं या एक किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप बड़े फेस हैं और आप अपना बूथ हार जाएं तो ये जाहिर सी बात है चिंता का विषय, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितनी भी बातें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है वो सब इंप्रूव। अयोध्या पर कह रहे थे वो खुलकर कह रहे थे कि अयोध्या में जो निषादों की नाव है उनकी जगह क्रूज उतार दिए गए, ये भी एक नाराजगी की बड़ी वजह रही। देखिए, किसी भी चुनाव में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जब आप चुनाव हारते हैं या जीतते हैं उसमें मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, उसमें एक फैक्टर ये जरूर रहा होगा कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी नाराजगी भी सुनने में आई। हम लोग कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे थे तो बहुत सारी शिकायतें मिली थी और शिकायतें होती हैं, आप भी जानते हैं, जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए चलते हैं तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स निकल के आते हैं। लेकिन जो हार का बड़ा रीजन रहा है उसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ये जो आप तमाम जो शिकायतें थी रत्नेश भाई, ये क्या मतलब बीजेपी के बड़े नेताओं तक पहुंचाई नहीं गई क्या आपकी तरफ से? देखिए, हमारी पार्टी 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम एनडीए हैं और हम हर मुमकिन सहायता करने की कोशिश करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी हमें वैसे ही सहयोग करती है, इस बात को मैं नकारूंगा नहीं। 2014 से लेकर हम लोगों ने जितने भी फीडबैक हैं वो चाहे केंद्रीय संगठन हो चाहे राज्य की इकाई हो उसको हम देते रहे हैं और
हम दोनों मिलकर बेहतर करें, इस पर लगातार काम भी किया जा रहा है। हाँ। उसमें बहुत सारे संशोधन भी हुए। हाँ। आपने देखा होगा पिछली बार विधानसभा चुनाव में बहुत सारे टिकट बदले गए। हाँ, थे नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट बदले गए, तो हाँ, हम सुझाव का जो हमारा काम है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उसको हम बखूबी निभाते हैं। और हम ठीक है, पूरी रतनेश भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास मैं आ रहा हूँ, एक एक इस पर रिएक्शन अवरल जी से लूंगा, उसके बाद रतन भाई आपके पास आ रहा हूँ, दुबे जी आपके पास आ रहा हूँ। ये अवरल भाई, हालांकि संजय जो बात रत्नेश जी की कह रहे हैं, अब ये बात संजय निषाद द्वारा भी कही गई थी, और ये कहा गया था कि उनकी एक सीट जो दो आपके सिंबल पर जो एक उनका प्रत्याशी था, वो ये कह रहे थे कि लोकसभा के जो प्रभारी बनाए गए थे बीजेपी की तरफ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने नाम लिया कि हम कहते रह गए कि बदलिए बदलिए, लेकिन चार दिन पहले बदले गए। अवरल जी, जी नहीं देखिए, जिस प्रकार से कुछ सीटों पर हार की बात है, हार का विषय है कुछ सीटों पर, तो निश्चित रूप से हम आत्ममंथन कर रहे हैं और अच्छा हल निकल कर आएगा इस विषय में। ये कुछ सीटें नहीं है अवरल भाई, ये बहुत सारी सीटें हैं। खैर ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रतन भाई, बहुत दिनों बाद आप आए। इस पूरे दौर में अगर हम देखें, संजय निषाद जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने भीतरघात का जिक्र किया, उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया, किस तरह से क्रूज उतार दिए गए वो भी उन्होंने बोला, उन्होंने वोट को लेकर भी बोला कि जो जातिगत फैक्टर है वो हमने तो अपना संभाल लिया लेकिन बीजेपी नहीं संभाल पाई। रतन भाई देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सारे मित्रों को प्रणाम। नमस्कार। देखिए अजितेश जी, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि किस प्रकार राज्यसभा का जब इलेक्शन हो रहा था और उसमें इन्होंने उच्च हाल से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को अपने खेमे में ले लिया, उसके बाद अयोध्या से गोसाईगंज के विधायक समाजवादी पार्टी के अभय सिंह को अपने पाले में ले लिया, और इलाहाबाद पश्चिम की जो विधायक थी समाजवादी पार्टी की पूजा पाल को अपने पाले में ले लिया। पाले में लेने के बाद यह नतीजा जब सामने आया तो इलाहाबाद से जिस पूजा पाल को लिया था वो इलाहाबाद हार गए, जिस अयोध्या के गोसाईगंज से अभय सिंह को लिया था वो अयोध्या हार गए, जिस रायबरेली से उजहार से मनोज पांडे को लिया था रायबरेली भी बुरी तरीके से हार गए। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने फैक्टर चलने का काम किया, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को कमजोर करने की जो इनकी इनका कदम उठाया गया था वो पूरा फीका पड़ गया और जनता ने इनको ही खत्म कर दिया। अब आता हूं मैं नंबर दो निषाद पार्टी पे। हमारे मित्र रत्नेश सिंह अब कब से निषाद पार्टी में है मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अगर वो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता है तो कोई समझना चाहिए कि निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा 2014 से नहीं है रत्नेश भाई, वो 2019 के लगभग वो एनडीए का हिस्सा बनी, क्योंकि बाई इलेक्शन जब गोरखपुर में आपके प्रवीण निषाद चुनाव लड़ रहे थे तो समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ रहे थे, और भदोही में ज्ञानपुर का जो विधानसभा 2017 का चुनाव था वहां पे विजय मिश्रा जी आपकी पार्टी से चुन के आए थे और वो एकमात्र निषाद पार्टी के विधायक थे। उसके बाद 2019 में आपका एनडीए के साथ गठबंधन हुआ और संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद सांसद बने जो आपके संजय निषाद के पुत्र हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए संजय निषाद ने सच्चाई को खोल के रख दी, उसके पहले आप देखेंगे ओम प्रकाश राजभर ने भी सच्चाई को खोल के रख दी। तो एनडीए का बहुत सारा जो घटक दल है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली से नाराज चल रहा है और दुखी है, क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम, हम तुम्हें भी डूबेंगे सनम। महाराष्ट्र में आपने देखा किस प्रकार एकनाथ शिंदे का क्या हश्र हो गया, अजीत पवार पूरी तरीके से खत्म हो गए, निषाद पार्टी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का रवैया और एनडीए का कार्य पद्धति की वजह से इनके जो घटक दल है उनको नुकसान हो रहा है। आप देखिए ना, अपना दल की दो सीट थी, एक सीट पे आ गए। तो कहीं ना कहीं अजितेश भाई, अब जनता जाग चुकी है, इनके घटक दल के दुबे जी के पास आ रहा हूँ। रतन भाई आ रहा हूँ, अवरल जी आपसे जवाब लूंगा रतन भाई की बात पर, लेकिन उससे पहले एसके दुबे जी, दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है। आप संजय निषाद की तमाम बातों पर हम चर्चा चूंकि कर रहे हैं, क्योंकि भीतरघात का आरोप भी लगाया, लेकिन उन्होंने एक और बात इसमें कही, वो समाजवादी पार्टी से उन्होंने सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं और रत्नेश जी बैठे हैं वो भी इस पर कमेंट कर ही देंगे। उन्होंने कहा था कि दरअसल जो अवधेश प्रसाद जीते हैं अयोध्या से, वो भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो संजय निषाद जी पूछ रहे थे क्या अब कोई कार्रवाई होगी उन पर।
ये संजय निषाद जी पूछ रहे थे समाजवादी पार्टी से। जय श्री राम का नारा लगाना क्या अपराध है? हाँ अपराध है जी। कि हमने हमने संसद के अंदर तो फिलिस्तीनी नहीं बोला ना। हाँ ठीक है ना, हमने तो भगवान अपने आराध्य का अगर किसी ने नाम लिया है और तो इसमें बुराई कौन सी है? इसलिए कौन सा कोई इतना बड़ा वो हो गया है? हाँ। अपने भगवान का नाम कोई भी लेता, जय हाँ। सिया राम बोलो, जय हनुमान बोलो, जय हाँ। श्री राम बोलो, कुछ भी बोलो, हाँ। ये आपकी आपके स्वतंत्रता है। आप कहीं भी हो, आप हाँ। किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, कहीं भी हो, हमें हाँ। तो ऐसा नहीं लगता है कि जय श्री राम बोलने से कोई नाराज हो जाएगा हाँ। या कोई खुश हो जाएगा हाँ। ये आपकी आस्था का विषय है, आपकी इच्छा की बात है कि आप इसलिए कह रहे थे। वो ये कह रहे थे इंटरव्यू में, हालांकि पूरा इंटरव्यू हमने कल चलाया था, सभी ने देखा था, वो इसलिए बात कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि आप अखिलेश जी जो है वो राम मंदिर गए नहीं, अब उनके जो सांसद हैं वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो कार्रवाई कब होगी? इस तरह से कह रहे थे रत्नेश भाई। नहीं हाँ अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए हैं हाँ, तो इसमें कौन सा ओवला हो गया? हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दिन जाएंगे जिस दिन राम मंदिर पूर्णता बन के तैयार हो जाएगा, उसी दिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा सही मायने में होगी। ये तो गलत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की भारतीय जनता पार्टी हाँ। के अहंकारियों ने, और जिसका परिणाम जनता ने उन्हें दिया कि 240 हाँ। पे लाके लटका दिया है हाँ। अगर आप देखिए उसी राम मंदिर में पानी टपक रहा है हाँ। और उनके अधिकारियों के अलग अलग बयान आ रहे हाँ। मुख्य पुजारी ये बोलते हैं कि हम भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे क्योंकि पानी भरा है हाँ। उनके जो चंपक राय जी हैं हाँ। वो बोलते हैं नहीं ये ऐसा नहीं है, ये तो उसके बाहर पानी भरा है, गर्भगृह तो एकदम बढ़िया है हाँ। और फिर वो जो दूसरे हैं जो कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के निजी सचिव रहे हैं हाँ। विशेष सचिव रहे क्या नाम मिश्रा जी हाँ। वो कुछ और बयान बोलते हैं हाँ। यानी कि इनके अंदर ही विरोधाभास है हाँ। ये जो लोग हैं ये सिर्फ भटकाने का काम करते हैं हाँ। नफरत पैदा करने का काम करते हैं हाँ। उनमें वास्तविकता में भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम होता तो ये सही समय पर मुहूर्त में हाँ। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करके हाँ। ताकि भगवान का प्रकोप हमें ना झेलना पड़ता। ठीक है ठीक है। लेकिन अविरल जी ये कहीं हाँ। ना कहीं इनको हाँ। तो भोगना ही पड़ा हाँ। ये देश की जनता को भी भोगना पड़ता है क्योंकि हाँ। भगवान से अविरल जी जो हाँ। अविरल जी जवाब देंगे रतन भाई और दुबे जी की दोनों की बातों का। अविरल जी जी नहीं देखे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कहा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आई है, इस विषय को भी देखा जाना चाहिए। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का या कुछ सीटों का तो निश्चित रूप से उस विषय पर पार्टी संगठन आत्मंथन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से कहा था ये इंडी गठबंधन वाले इधर उधर से कहां से थोड़े बहुत जीत आए, जो ये अगली बार ये भी नहीं जीतेंगे इंडी गठबंधन वाले, तो इसीलिए याद रखना चाहिए। और कांग्रेस बड़ी अहंकारी पार्टी है हाँ। कांग्रेस में बड़ा अहंकार है, ये जो हाँ। 9 सीटें, ये जो 99 सीटें आई है 9 में तब्दील हो जाएंगी हाँ। इस बात पे इन्हें ध्यान रखना चाहिए। नहीं नहीं सोचने की बात तो ये ना विरल भाई कि अगर कोई नीचे से ऊपर बढ़ रहा है जिसका आंकड़ा बढ़ रहा है वो तो सवाल करेगा ही, और आपसे सवाल इसलिए होगा क्योंकि आपका आंकड़ा ऊपर से नीचे आ गया है ना, ये तो मानते हैं ना, तो इस पर तो होगी ना बातचीत। उत्तर प्रदेश के संजय निषाद जी जिन बातों को कह रहे हैं उन बातों को आपको सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के विषय में अगर बात है तो एक अलग विषय है, ठीक है उस पर हम आत्मंथन कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए पूरे देश की बात कर ली जाए तो रतन जी जानते ही होंगे बुद्धिजीवी व्यक्ति है कि किस तरीके से बंगाल में शून्य हो गए, दिल्ली में शून्य हो गए। भाई चर्चा का नाम है उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को उत्तर तो देना पड़ेगा। हम अभी देश की बात नहीं कर रहे हैं, अयोध्या का मसला ही उठाए रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से और कमियां निकल रही। संजय निषाद कह रहे हैं कि आपने निषादों की नाव उठाकर क्रूज उतार दिए, एस के दुबे जी बता रहे हैं कि गर्भगृह में पानी भर रहा है, समझ रहे हैं ना आप। मुआवजे की बात संजय निषाद जी कर रहे हैं कि आपने सही मुआवजा नहीं दिया, तोड़न ताड़ी तो कर दी जी। नहीं देखिए हम जिस प्रकार से कार्य करते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मकसद है रामपुर को लेकर रोज खबर आ रही कि वो धस रहा है, कहीं इधर गड्ढा हो रहा है कहीं उधर गड्ढा हो रहा है जी। नहीं देखिए हम गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार सबके लिए काम करते हैं
और उसके साथ साथ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास के आधार पर हम काम करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात जो करते हैं वो करके दिखाते हैं और जनता इसीलिए हमारे पर विश्वास जताती है। लेकिन एक दो सीटों की जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं अमरेल जी? नहीं नहीं, जहाँ एक दो सीटों की बात है आपने ये आप अपने बंगाल के सीटों को देख लीजिए, गुजरात छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, सिक्किम को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पर हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हमारी चिंता मत कर रहा है उत्तर प्रदेश में आप 80 से 40 के अंदर क्यों सिमट गए? आपसे ये पूछा रहा है, पूछा जा रहा है संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर आपके खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं? तो आप जवाब, आप बंगाल का सैर करा रहे हैं, महाराष्ट्र का सैर करा रहे हैं, आप संगठन की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बता देता हूं आपको हमारी इतनी चिंता क्यों है। आखिर हम अपना काम कर रहे हैं, एक्चुअली संजय निषाद जी कर रहे हैं, अवरल भाई हम नहीं कर रहे। आपको होनी चाहिए, रतन जी को इतनी पीड़ा क्यों है? रतन जी कांग्रेस में होने के बावजूद भाजपा की चिंता कर रहे हैं। नहीं नहीं, चिंता इसके लिए होती है कि सबसे पहले आपको भी हम लोगों की चिंता थी, उत्तर प्रदेश में हमें आप शून्य पे लाके खड़ा करने वाले थे, आप पूरे देश से हमको 20 के आंकड़े पे लाके खड़ा करने वाले थे। अगर आप इतनी चिंता करेंगे तो मुझे भी चिंता हो जाएगी ना। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उस नारे का क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? अरे तो उस नारे ने दिखा दिया ना लोकसभा चुनाव में, उस नारे ने दिखा दिया लोकसभा चुनाव में, वो नारा विधानसभा चुनाव में था और विधानसभा चुनाव में क्या हश्र हुआ? रतनेश भाई जरा ये बताइए कि और कौन कौन से वो कारण रहे, क्योंकि अविरल भाई बैठे यही सुन लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ये कह सकते हैं कि हमने बयान काट दिया, आप बता दीजिए हार के जो कारण संजय निषाद गिना रहे क्या वो सही नहीं है? और अगर बात आपको कमियां दिख रही थी तो आप आवाज पहुंचा रहे थे तो उन पर काम नहीं हुआ, ये भी मानिए इन्होंने नहीं सुनी ना आपकी। देखिए, जो जितनी भी कमियां हम लोगों ने गिनवाई हैं, वो कमियां खामियां अगर मैं गिनवाना शुरू करूंगा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में उससे कहीं ज्यादा थी। नंबर सुन के इंप्रूव हुए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खामियां हर जगह होती हैं, मैं इस बात को बार बार दोहराना चाहता हूं। उस पर काम करना, उस पर करेक्टिव मेजर्स लेना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस पर एनडीए का जो अलायंस है वो लगातार इस पर काम करता है। मैं दो बातें साफ कह देना चाहता हूँ रतन जी को और एसके दुबे जी को भी, मैं आप कह रहे थे सवाल, एक छोटा सवाल और ले लेता हूँ रत्नेश भाई, फिर आप मिलाकर जवाब दे दीजिएगा। ये जी वोटर्स की जो बात संजय निषाद जी कर रहे थे कि हम अपना निषादों का वोट तो ले आए, लेकिन अब पंडित जी और ठाकुर जी को समझाना बीजेपी का काम था, ये नहीं समझा पाए। देखिए, आपने चुनाव के दौरान भी देखा था कि जगह बहुत सी सीटें ऐसी थी जहां पर एक विशेष वर्ग नाराज हुआ, कहीं कोई वर्ग नाराज हुआ, कहीं टिकट को लेकर नाराजगी रही, बहुत 37-38 टिकट को लेकर भी नाराजगी रही लोगों में। तो कहने का मतलब ये है कि इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता कि कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा नाराज रहा, ना उसका कोई डेटा है। मैं डेटा पे या स्टैटिक्स पे बात करना पसंद करता हूँ, क्योंकि जनता और आपका ऑडियंस भी ये जाने कि जो बातें हम कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। केवल बात बोल देना और किसी पद पर रह के कोई भी बात बोल देना ये अच्छी बात नहीं है। तो उसका मेरे पास कोई विशेष डेटा नहीं है कि कौन सा वर्ग नाराज रहा, कौन से वर्ग ने ज्यादा दिया, लेकिन जहां जहां हम चुनाव प्रचार में गए हमारी पार्टी के जो वोटर्स थे उन लोगों ने वोट किया, लेकिन कहीं कहीं जातिगत समीकरण जहां हमारे अगेंस्ट थे वहां पर लोगों ने वोट नहीं किया। तो ये तो जब आप सीटों पर आएंगे 80 सीटों पे, तो सीट वाइज जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कहीं पे वर्मा ने हम एनडीए अलायंस को वोट किया, कहीं पर नहीं किया, कहीं पर राजभरों ने किया, कहीं पर नहीं किया, कहीं पर बहुत से ऐसे बूथ रहे जहां पर यादवों ने भी हमको वोट किया है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि जब हम चुनाव का वोट लाने की जिम्मेदारी, तो चूंकि बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो निषाद पार्टी और राजभर साहब की पार्टी पर थी ना सर। आप ये देखिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब हम लोगों ने साथ ही चुनाव लड़ा था, आप दोनों डेटा कंपेयर करके निकाल लीजिए, 167 ऐसी सीटें हैं जिसपे निषाद बाहुल्य हैं, जहां हम 30,000 से 60,000 के बीच में हैं, उसमें 50% से 60% हम पोल करते हैं। एक्चुअली समय की कमी है थोड़ा सा, एसके दुबे जी एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो गया।
नहीं नहीं देखिए, चुनाव जब होता है और चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है और अपने पक्ष में नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर पार्टियां अपने अपने तरीके से उसका आकलन करती हैं। और जब गठबंधन की राजनीति होती है तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा आरोप प्रत्यारोप का खेल रहता है, हम भी उस दौर से गुजरे हैं। लेकिन खैर ये चीज कोई इतनी अहमियत वाली नहीं है कि इसको मीडिया पे इतना अहमियत दिया जाए। ये इनका अंदरूनी मामला है, नहीं निबट पाएंगे तो अलग हो जाएंगे और निबट जाएंगे तो फिर एडजस्ट हो जाएंगे और फिर चलती रहेगी इनकी जिम्मेदारी। लेकिन हमारी लेकिन हम 2027 में कुल प्रेस में बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये मैं आपसे अवरल भाई 10 सेकंड में फाइनल कमेंट, 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड। जी नहीं देखिए, हम निरंतर जनता के हित में काम कर रहे हैं और जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है और उत्तर प्रदेश के विषय में हम आकलन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रतन भाई फाइनल कमेंट नहीं ले पाऊंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अवरल भाई, एस के दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रत्ने जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अपनों के बयान है, अपनों को समझने हैं, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, लेकिन राजनीति में कहा जाता है कब अपने पराये बदल जाए, ये कोई इसका समय और तारीख नहीं बता सकता है। आज की खास चर्चा में इतना ही, ना स्याही की दोस्त सफेदी के दुश्मन, अब आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।